हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में बात करेंगे पहले असिनी फमिलियारी और बाद में बोनस ईपीएफ की पेमेंट से रिलेटेड। तो अगर आपने मेरे जैसे ही जून मंथ की स्टार्टिंग में ही असिनी फमिलियारी का दुमांध कर दिया था तो आपको जुलाई मंथ की सैलरी में ही असिनी फमिलियारी के पैसे आ जाने चाहिए। जैसे देखिए मुझे आए हुए हैं 370 यूरो की ओमेंटो के साथ। ये पैसे आपको जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था दिसंबर मंथ तक ही आपको मिलेंगे। और अगर ये दुमांध आपने थोड़ी लेट अप्लाई किया था तो आपको ये पैसे अगस्त मंथ या फिर सितंबर में भी मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा आपकी दुमांध की अप्लाई डेट से। आप चाहें तो अपना स्टेटस और कितने पैसे आपको मिलने हैं ये दोनों इन्फॉर्मेशन एम्स की साइट पे चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है। और आइए आपको इसी वीडियो में मैं दिखा देता हूँ कि कैसे चेक करना है। तो एम्स की साइट पे जाकर आपको सर्च करना है ANF और यहाँ नीचे असिनी न्यूक्लियस के प्रेस्टेशन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको अचेदी सर्विस पे क्लिक करने के बाद अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अब आपको एम्स की साइट पे लॉगिन करना है और एंटर होते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको कंसल्टेशन पे क्लिक करना है और इस नेक्स्ट विंडो में आपका रिकॉर्ड शो हो जाएगा और इस ईयर का दुमांदा आपको 2020 की रो में शो होगा। तो अगर आपका दुमांदा एक्सेप्ट हो गया है तो आपको यहाँ स्टेटस के नीचे नजर आएगा अकोलता, अदरवाइज इनफाजेदी कलकोला मेन। तो आपका दुमांदा एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप पैसे का इम्पोर्ट जानना चाहते हैं तो आपको डिटेलियों पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे आपको शो हो जाएगा जितने पैसे आपको मंथली मिलेंगे। तो आइए अब बात करते हैं बोनस ईपीएफ की। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट हैं जो अगस्त मंथ की स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड कर रहे हैं इस बोनस दुमांदे को लेकर, जिनमें दावा किया जा रहा है 1880 यूरो मैक्सिमम मिलने का अगस्त की सैलरी में। तो अगर आप भी इस बोनस की वेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई बोनस नहीं आया है और आप इन पैसों की वेट ना करें, क्योंकि ये तबेले जो आपने शायद देखे होंगे ये और कुछ नहीं है कि आपकी दृतरस्योनी, जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग जब आप 37 रेंत दुमांध अप्लाई करते हैं आपके सभी स्पेजे और इन्हीं दृतरस्योनी के अकॉर्डिंग आपका 37 रेंत कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ऐसा कोई नया बोनस गवर्नर द्रागी नहीं लेकर आई है। इन्हीं पुराने तबेले को एक नया बोनस का नाम देकर फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक और शेयर करने का, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।